हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ऑन द बोर्ड। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर एक प्यादा है और एक राजा है और सामने वाले का राजा, ठीक है। तो हमें देखते हैं कि ये मैच अक्सर ड्रॉ होता है, बट कई बार ऐसे लोग गलती कर देते हैं और ये मैच हार जाते हैं। तो हम देखने वाले हैं ये ड्रॉ कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो सफ़ेद की चाल है, तो सफ़ेद वाला राजा इधर गया, तो अपना राजे को अपने को पीछे ही ले जाना है, हमेशा ध्यान रखना है ना। अगर वो राजा ऊपर लेके आता है तो अपने राजा को, काले के राजा को, उसके राजा के सामने रखना है। बस ये ध्यान रखना कि जब भी वो राजा ऊपर लेके आए तो अपने काले राजा को सफेद राजा के सामने रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर वो प्यादा बढ़ाता है तो अपने राजा को वापिस उसके वापिस प्यादे के सामने रख लो। फिर वो राजा को एक ही चाल है उसके पास कि वो पीछे रखे, अदरवाइज कहीं भी रखेगा वो, तो अपन उसका प्यादा मार लेंगे अपने काले के राजा से, ठीक है। तो देखिए, तो फिर अपनी अपनी चाल है, तो अपने को हमेशा मैंने बताया कि वापिस अपने राजा को पीछे ले जाना है। अगर वो अपने राजा को साइड में ले जाता है, मान लो इस साइड ले जाता है या इस साइड ले जाता है, किधर भी ले जाए, हमें एक ही चाल चलनी है। जैसे वो इस साइड ले गया मान लो, तो हमें एक ही चाल चलनी है, वापिस अपने राजा को ऊपर लेके आ जाना है ना, ठीक है। अगर फिर तो फिर उसके बाद एक ही चाल बचेगी कि वो अपने राजा को वापिस यहीं पर रखे, ठीक है। तो फिर अपने राजा को वापिस पीछे ले जाना है। फिर अगर वो किधर भी ऊपर लेके आता है, मान लो इधर लेके आता है, तो अपने राजा को इधर रखना है। अगर वो इधर नहीं लेके आता, अगर वो इधर लेके आता है, तो अपने राजा को इधर रखना है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि वो राजा किधर ले जा रहा है, बस इतना ध्यान रखना है कि वो किधर ले जा रहा है ना। फिर वो प्यादा बढ़ाएगा, हमें चेक बचा लेना है, और फिर वो राजा को पीछे रखेगा और ये अपने पास चाल ही नहीं बचेगी अपने काले के राजा के पास, और ये मैच ड्रॉ हो जाएगा।